तो हेलो एंड वेलकम यार, आज कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया, डूइंग ग्रेट। तो आज के स्टूडियो में हम बोट के लेटेस्ट जो ईयरबड्स या नेकबैंड लॉन्च होने वाले हैं उनकी बात करेंगे। एंड उनका जो सीधा कंपटीशन है वो है बोट के रॉकर्स 255 प्रो प्लस से, जो नाम है अभी बोट के ईयरबड्स लॉन्च होंगे 330 प्रो करके। ओके, प्राइस उनका रिवील हो चुका है, लॉन्च डेट भी रिवील हो चुकी है, एंड जब वो लॉन्च होंगे इंडियन मार्केट में हम उनका अनबॉक्सिंग लेके आएंगे आप लोग के लिए। एंड अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ओके, तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा कि क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होने वाली हैं बोट के रॉकर्स 330 प्रो की, एंड क्या उनको परचेज करना वर्थ इट रहेगा, या स्टिल जिन लोगों के पास रॉकर्स 255 प्रो है, सॉरी प्रो प्लस है, या अदर नेकबैंड है, क्या उनको वो नेकबैंड लेना चाहिए। तो चलिए हम देख लेते एक बार उनका ओवरव्यू एंड डिटेल्स। तो गाइज, हम अभी अमेज़ोन पे हैं, एंड अमेज़ोन पे आप आके अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे रॉकर्स 330 प्रो का यहाँ पे नाम आ जाएगा। एंड ये कैलिब्रेट किए गए एपी ढिल्लो से के साथ, तो कैलिब्रेशन के साथ ये लॉन्च हो रहे हैं। तो सबसे पहला एंड मेन हाईलाइट जो है यहाँ पे 60 आवर्स का बैटरी बैकअप है। रॉकर्स 255 में आपको 40 आवर का बैकअप मिलता है, एंड ये 245 V2 है। ओके, इसके अलावा क्या मिलता है गाइज, आप अगर 10 मिनट चार्ज करेंगे तो आपको 20 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो डिज़ाइन आपका ज़्यादा चेंज नहीं है, सिमिलर काइंड ऑफ आपको डिज़ाइन मिलता है। 10mm के ड्राइवर हैं एंड मैग्नेटिक है, बट देखने वाली ये बात होगी कि मैग्नेट कितना पावरफुल है, इनका मैग्नेट इतना पावरफुल नहीं है। ओके, IPX5 की रेटिंग है, ठीक ठाक रेटिंग है, ना ज़्यादा बुरा ना ज़्यादा अच्छा, बट यहाँ पे आपको IPX7 की रेटिंग मिलती है, तो थोड़ा डाउनग्रेड किया गया है। देन बस यही डिटेल्स थी। 10mm के ड्राइवर हैं, आपको कुछ एडिशनल मोड वगैरह नहीं मिलता, यहाँ पे आपको एडिशनल मोड मिल जाता है। तो गाइज, हमने 330 प्रो की डिटेल्स देख ली, एंड मैं अगर आपको बताऊँ कुछ चेंजेस हुए हैं जो पॉजिटिव वे में हैं, कुछ नेगेटिव वे में भी चेंजेस हैं, बट स्टिल अगर आप 255 प्रो को कंसिडर करेंगे, लाइक प्रो प्लस को कंसिडर करेंगे, एट 1500 रुपीज स्टिल आपके लिए अच्छी डील होने वाली है, इतना बुरा नहीं है, एंड ना ही ज़्यादा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता। अगर एक लेवल लाइक आपको 30 घंटा बैटरी बैकअप मिल जाता, 25 घंटा बैटरी बैकअप मिल जाता, देन उससे ज़्यादा का इतना बेनिफिट नहीं होता। आप एक हफ्ते में 3-4 दिन में तो अपने बड्स चार्ज करते हैं, अपने नेकबैंड चार्ज करेंगे, तो वो इतना डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। बट यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मोड मिल जाते हैं, वो आप स्विच कर सकते हैं। एंड अभी जो बोट के 205 प्रो लॉन्च हुए थे, तो यहाँ पे आपको बेस्ट मोड अलग से मिलता है, तो इस टाइप का कोई भी क्लेमर यहाँ पे 330 प्रो में नहीं किया गया। तो अगर कोई अच्छा मोड नहीं होता, मोड नहीं है, देन उसको परचेज करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। बाकी चीज़ें हम देख लेंगे जब प्रोडक्ट लॉन्च होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंटर द स्टेडियम सेशन, बाय गाइस।